बीजेपी हाईकमान का मानना है कि सामूहिक नेतृत्व में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ताकत विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत लिख सकती है। पार्टी ये फैसला किया है कि वह सामूहिक नेतृत्व में ही आगे के चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंद पट्टी के राज्यों में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इन तीनों ही राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में जाने का फैसला लिया है। हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्य राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी चुनाव मैदान में है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब बीजेपी की तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दावेदारी यहां सबसे मजबूत मानी जा रही थी, जबकि अर्जुन मेघवाल की दावेदारी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आई है। लेकिन पार्टी ने अशोक गहलोत के खिलाफ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन इस बार बीजेपी शिवराज चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनावों के बाद विधायक ही तय करेंगे। बीजेपी की स्थापना के बाद ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री होते हुए भी बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में उतर रही है। इससे पहले 2021 में असम के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी सर्वानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए भी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरी थी। मुख्यमंत्री के चेहरे का नहीं होगा ऐलान। राजस्थान के और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उसी की तरह यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसी को पेश करने नहीं जा रही है। यहाँ पर और मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहो दासवा, सांसद सरोज पांडे और राम विचार नेताम जैसे दिग्गज नेताओं के होते हुए भी यहाँ पर बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। इसलिए नहीं कर रही सीएम चेहरे का ऐलान, क्या है वजह, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि सामूहिक नेतृत्व से पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सामूहिक ताकत पार्टी की बड़ी जीत लिख सकती है, और इसलिए बीजेपी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाय या मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। यूपी की 2017 जैसी जीत दोहराने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती नजर आ रही है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 14 साल से वनवास में थी और सत्ता पक्ष तोड़ 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऐसी ही जीत की उम्मीद बीजेपी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करने के लिए मजबूर कर रही है। अब दर्शकों, जिस तरीके का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ये नया प्लान बनाया है कि वो बिना सीएम चेहरे को उतारे सामूहिक होकर यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में जो है उसमें भरोसा जताते हुए यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, इस पर आप क्या समझते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का काम आएगा और उनको इन राज्यों में जीत दिलाने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मदद करेगा? हाँ या ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।